कंस चांडूर मर्दन देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्वप्रथम जी महाराज सचमुच आज इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आप बहुत ही चतुर हैं, क्योंकि मैं बनारस से अभी कथा कह के आ रहा हूँ तो मुझे कार्ड के माध्यम से सूचना मिली कि कथा पूज्य गुरुदेव भगवान कहेंगे, और मैं कथा पहले दिन महात्मा की कथा सुना तो मुझे इतना रस आया कि ऐसी कथा आज के समय उन गुरु महाराज के एक एक शब्द में, एक एक प्रसंग में, एक एक व्याख्या में जो एक नए नए भाव हैं उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक के रूप में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करते हुए, और सभी हमारे सभी भक्तिमती माताएं, सभी श्रोता, सभी हमारे आचार्य जो पाठ कर रहे हैं सभी को प्रणाम करते हुए, और चूंकि आज्ञा है भ्राता श्री की, मैं तो भागते भागते थोड़ा सा कथा श्रवण कर लिया। आज भागवत जी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है उस पर गुरु जी का व्याख्यान हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी। हमारे महापुरुष कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और उसमें जो श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद है वो भगवान का हृदय स्थल है, और उसमें 29, 30, 31, 32 और 33 यही भगवान के पंच प्राण है। मैं केवल इस रास पंचाध्यायी में एक भाव महाराज श्री के समक्ष रख रहा हूँ कि जगह जगह विद्वानों में, और ये प्रसंग महाराज वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा ही परमहंसों की संहिता है, पर उसमें भी जो महारास का प्रसंग है इसके बारे में तो पूछो मत। तो इसका जो अधिकारी है, महारास की जो भूमिका बनती है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। जो ब्रज गोपियों ने एक मास पर्यंत तक माँ कात्यायनी की अर्चना की, और गुरुजी सबसे बड़ी बात ब्रज गोपियों के लिए श्री सुखदेव जी हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, कुमारी शब्द का प्रयोग करते हैं, और चूंकि रामचरितमानस के आप परम विद्वान हैं, श्रीमद् भागवत में जो कुमारी कहा है वो ब्रज गोपियों के लिए कहा है, और रामचरितमानस में भी कुमार कहा है, हैं? किसके लिए कुमार कहा है? बोले हमारे लक्ष्मण जी के लिए कहा है। जब सूपन खां भगवान के सामने पहुंची और भगवान से कहा कि तहिते अबलग रहूं कुमारी मन माना कछु तुमही निहारी, सीतही चितही कही प्रभु बाता अयही कुमार मोर लघु भ्राता। तो मैं केवल ये दो शब्दों पर थोड़ी सी हम चर्चा रखेंगे कि आखिर लक्ष्मण जी की क्या विशेषता है जो उनको तुलसीदास जी कुमार कह रहे हैं, और आखिर गोपियों की क्या विशेषता है तो उनको श्री सुखदेव जी कुमारी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी का एक प्रसंग हमारे समझ में आता है कि कुमार शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है, लौकिक अर्थ भी है इसका, हमने तो लौकिक अर्थ यही सुना है कि जब किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो उसको हम ग्रामीण देहाती भाषा में कह देते हैं कुमारा है, कुमार है, लेकिन एक शास्त्रीय भाषा में कुमार अवस्था है, एक अवस्था भी है, लेकिन दोनों में ही हम किसी का भी अर्थ लें तो जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी की सेवा में जा रहे थे तो कुमार शब्द का शास्त्रीय अर्थ है कुत्सितम कामम मारयति इति कुमारः, अर्थात जो अपने जीवन में काम को ही समाप्त कर दे उसका नाम है कुमार। इसीलिए आप कल्पना करिए कि यदि लक्ष्मण जी के जीवन में कुमार हो, यदि काम होता तो क्या जिस व्यक्ति के जीवन में काम होगा वो कभी राम के पीछे नहीं जाएगा, वह तो दुनिया के पीछे भाग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ऐसे हैं रामचरितमानस के जिन्होंने अपने जीवन में काम को मारा है। अब थोड़ी सी चर्चा ब्रज गोपियों पर कर लें। जब मेरे भगवान ने बंसी बजाई, और जब आजकल किसी भी इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, और इस दिव्य भवन का उद्घाटन, वानप्रस्थ धाम का प्रथम चरण का उद्घाटन, और मुझे निश्चित रूप से पता है कि भ्राताश्री के माध्यम से और संस्था के माध्यम से बहुत लोगों को निमंत्रण गया होगा,
लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो काम के चक्कर में यहाँ नहीं आ पाए, किसी की फैक्ट्री, किसी की दुकान, किसी का घर, लेकिन एक ब्रज गोपियों पर दृष्टि डालें कि मेरे कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो ऐसी कौन गोपी थी। आज संसार में लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर लेते यदि ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्रज गोपियों ने बच्चों को छोड़ा, घर को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, सास को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, यहाँ तक कि जो स्तन वाला दूध पीने वाला बच्चा है उसका भी त्याग किया, परंतु कृष्ण को नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि भागवत में केवल गोपी ही हैं जिन्होंने काम को भी पराजित कर दिया। तो इसीलिए और एक बात विशेष करके जो वृंदावन धाम की पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, एक बार भगवान ने भी जब भगवान द्वारिका में चले गए तो भगवान की 16108 पटरानियों ने प्रार्थना की कि भगवान आपने तो वृंदावन में बड़ा अद्भुत रास किया, तो एक बार रास का रस आप हमको भी यहाँ प्रदान कर दें। तो भगवान, ये बात द्वारिका की है, लेकिन भगवान ने कहा चलो मैं प्रयास करता हूँ, और भगवान ने महाराज जी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन भगवान द्वारिका में सब कुछ है, बहुत भव्यता है, दिव्यता है, लेकिन वो रास का रस मेरे भगवान द्वारकाधीश उन 16108 पटरानियों को नहीं दे पाए, क्योंकि द्वारका तो था लेकिन द्वारक भगवान ने महाराज कहाँ किया, बोले वृंदावन में। वृंदावन की क्या महिमा है, भगवान अपि ताह रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनः चक्रे। बोले द्वारका में सब कुछ है लेकिन उस द्वारका में भी रास करने का मन भगवान का नहीं हुआ, पर ये तो वृंदावन धाम की महिमा है कि जो अमना परमात्मा है उसमें भी महारास करने का मन जो प्रकट कर दिया वो वृंदावन।